भयमुक्त, अपराध मुक्त और हिंसा मुक्त प्रदेश में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। एक व्यक्ति छुट्टियों का आनंद लेने अपने ममाने बरुआ सागर जाता है। सूरज ढलते शाम के वक्त जब वह अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने जाता है, तब पेट्रोल पंप पर ही उसकी किन्हीं दबंगों से कासुनी हो जाती है। दबंगों की दबंगई ऐसी कि आचार संहिता लगी होने के बावजूद वे उस व्यक्ति के साथ भयंकर मारपीट करते हैं। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य है कि जिस दिन यह वाक्यात घटित हुआ वह उस दिन 10 मार्च था। जी हाँ, वही 10 मार्च जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो रहा था। योगी शासन अपने द्वितीय चरण में सत्ता काबिज करने वाला था। उस दिन क्षेत्र में भारी प्रशासनिक तैयारियां भी मौजूद थीं। दबंगों के भीतर निर्भीकता का आलम इतना प्रबल था कि मानो सीधा कार्यपालिका तक संबंध स्थापित हों। यह बात मैं किसी उत्तेजना में नहीं कह रहा हूँ। आगे की घटना जो आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, उससे आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभियुक्तों की मारपीट वहीं नहीं थमी। मौका पाकर उन अपराधियों ने प्रार्थी पर अवैध असलहे से गोली चला दी। वो तो एक व्यक्ति की किस्मत जो गोली उसकी पीठ को छूती हुई निकल गई। प्रार्थी नीरज साहू निवासी पाल कॉलोनी को त्वरित उपचार के लिए ले जाया गया। भाग्यवश उसकी जान बच गई। इसके बाद प्रार्थी के परिजनों ने तुरंत बरुआ सागर थाने पहुंचकर आरोपी राहुल रायकवार, रोहित रायकवार, राजा राम व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 341, धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। यह धाराओं का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ये संगीन धाराएं संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आती हैं। अतः इस प्रकार के अपराध के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति या वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद उन आरोपियों को गिरफ्त में नहीं लिया गया है। प्रार्थी दर भड़कते हुए कई बार कप्तान को ही प्रार्थना पत्र सौंप चुका है। उसे आश्वासन तो खूब मिल रहे हैं कि विवेचना जारी है, विवेचक में बदलाव कर दिया गया है। लेकिन मैं स्थानीय प्रशासन से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में जहाँ मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हों, सारे जरूरी साक्ष्य मौजूद हों, तब कार्रवाई में इतनी देर कैसे? क्या अभियुक्तों की पहुँच इतनी प्रबल है कि न्यायपालिका दुर्बल साबित हो रहा है? क्या गरीब और शोषित जनता के लिए न्याय पाना इतना दुर्लभ हो गया है? प्रार्थी ने ऑफ कैमरा हमारे चैनल से बात करते कहा कि अगर जल्द ही उन्हें न्याय ना मिला तो वे आत्महत्या को ही अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करेंगे। मेरी उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से विनम्र दरख्वास्त है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई करने का कष्ट करें। धन्यवाद।